राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी की कल हुई सभा में सभा समाप्ति के बाद मंगल भवन में कुछ लोग खुले आम 500 के नोट बांटते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। यह लोग अपना नाम बताते हुए खुद को बसपा का जिला कार्यकर्ता बता रहे थे, जिनके पास से रजिस्टर भी थे। बकायदा दी जाए राशि और प्राप्त करने वालों का नाम लिखा रहा था। बार बार बयान बदलने में कभी यह भी बताया जा रहा था कि यह रैली की और सभा में आए वाहनों का भुगतान है, लेकिन खुद बसपा प्रत्याशी ने इस पूरे मामले में खुद को और पार्टी को अनजान बताते हुए कांग्रेस और भाजपा के ऊपर इसका आरोप लगाया है। 500 के नोटों की गड्डियां हाथ में लिए हजारों रुपये का भुगतान के रूप में नहीं किया जा सकता। वैसे भी निर्वाचन आयोग की अनुमति के तहत 20,000 से अधिक का भुगतान करना नियमों के खिलाफ है। आदर्श आचार संहिता के चलते वाहनों की जांच में व्यापारियों और उद्योगपतियों से लाखों की नकदी और आभूषणों पर खबरों में सुर्खियां बटोरने वाली जिम्मेदारों की टीम जिला मुख्यालय पर इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं नजर नहीं आई, और यही वजह रही कि मंगल भवन में नोटों की गड्डियां हाथ में लिए लोग पैसे बांटते रहे और निर्वाचन द्वारा की जा रही रिकॉर्डिंग या मॉनिटरिंग टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिर भी जिला निर्वाचन को मीडिया से सूचना मिलने पर मामले को दिखवाने की बात की गई है। वहीं बसपा प्रत्याशी निशा त्रिपाठी ने कहा है कि हमारी पार्टी खुद ही आर्थिक रूप से कमजोर है, हम क्यों पैसा बांटेंगे। ये तो हमें बदनाम करने कांग्रेस और भाजपा के लोग सभा के बाद यहाँ आए होंगे। रैली में विपक्षी भी आ सकते हैं, और विपक्षी लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो हम बांटे हैं क्या कहीं पैसा? हमारा वीडियो बांटते हुए पैसा बांटते हुए वीडियो है क्या? हम इसका खंडन करते हैं। हमारी पार्टी जैसे पैसे वाली पार्टी नहीं, हम पैसा क्यों बांटेंगे? कांग्रेस भाजपा की कोई चाल है, अगर कोई वीडियो बनाता है तो बदनाम करने के लिए बनाता है। मैंने कोई पैसा ना बांटा ना बटवाया, हमारा जो भी खर्चा होगा चुनाव आयोग के दायरे में होगा और हमारे खाते में। यहाँ पर मंगल भवन में जो पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ वो आपका नहीं है? मेरा नहीं है ना। अच्छा, आपके भाजपा के पदाधिकारी दिख रहे हैं उसमें, तो जिला प्रभारी दिख रहा है आपका? नहीं, वीडियो में जिला प्रभारी होता ही नहीं हमारे। वो अपने आप में जिला प्रभारी बता रहे हैं? कोई भी बता सकता है झूठ मूठ। ठीक, और भरी सभा में ऐसे कोई पैसे बांटेगा इसका? देखो तो कोई हमारे ना पदाधिकारी हैं, ना प्रत्याशी है, ना कोई नेता है कि सभा हो रही है उसमें पैसे बांटेगा। राजगढ़ में आयोजित रैली में लोगों को नोट बांटने के मामले में वीडियो सामने आने पर आज जिला निर्वाचन अधिकारी निधि निवेदिता ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और एक न्यूज़पेपर में इस तरीके की खबर आई है कि रैली के बाद में बीएसपी कैंडिडेट के द्वारा जो कार्यक्रम रैली की गई थी उसमें कुछ पैसे बांटने का मामला ऐसा एक्यूज़ किया गया है, तो संबंधित जन को नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण